चंडीगढ़ से 11 किलोमीटर पर्च डैम है, 10 साल बाद ऐसा हुआ कि इसमें सारा पानी खत्म हो गया। सही है ये क्या बात? बिल्कुल सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी ना हम एक लोकेशन पर जा रहे हैं, अखबार पे आई थी वो लोकेशन, और मैंने सोचा जो हमारे पास ड्रोन है, मैं भी काफ़ी टाइम हो गया हमने यूज़ नहीं करके देखा, वो खुल ली जाएगा इस टाइम, तो हम प्रॉपरली ये भी उड़ा के देख लेंगे। अभी फिलहाल लेट हो गया, 2 दिन बंदे और चकने हैं, पहले उनको चकते हैं फिर आपसे वार्तालाप करते हैं। क्या यार, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है ना, क्या ही बताऊँ मैं, पीछे के भी फोन करता हूँ। चले भाई फिर, क्या हाल चाल है? तो आज हमारे साथ है मनमीत, इनका नाम मनमीत रियल, और मैं घर पे क्या बताता हूँ वो बताएंगे नहीं अभी। आगे जगह थोड़ी खाली कर दें। चलो जी, चलो कैचे क्या कर दिए, है ए सी चला रहा है, रिजल्ट पता कितना पहुँच गया, 87 है। ये देखो चला लिया, जैसे क्लिप बंद होगी बंद कर देगा, ये पता है। फ्लश में पड़ा था पहले, फिर मैं ले रहा हूँ गाड़ी में जा रहा था, खुशबू दे रहा है। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ। कैसे हो? ये है मिस्टर नेगी, लॉय कर देते तो अभी हमको गूगल माता पता नहीं कहाँ से लेके जा रही है, हम तो डैम की तलाश में जा रहे हैं, पर ये आगे जाके गली तंग सी ना हो रही है, मेरे ख्याल गाड़ी गुड़ी फंस सकती है, क्या करना है? देखिए नाली तो नहीं उधर गाड़ी, इधर नहीं नहीं टायर जा रहा नीचे, स्पेस है उधर, जाम दे जाम दे। एडवेंचर पर्ची आ रहे ना जी, पर्च डैम, पर्च 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 छ पर्च 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 है, पर्च बोलते हैं पर्च, ये है अच्छा, लोकल लोग पर्च बोलते हैं। ये देखो पीपल का पेड़, हॉन्टेड पब्बर ही डैम इधर ही है, इन्हें दी लैंग्वेज बोलना। पर्च डैम किथे है जी? सिद्धे सिद्धे, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। प्योर पंजाब है, हाँ। चंडीगढ़ के आस पास देखो कि नया इलाके नवे नवे है, मतलब कमाल ही होगी। गोबर देखना सीखा जब अपन नसीबा जो देखो, मेरी बस पतंजलि की पढ़ाई माता वैष्णो देवी दरबार, क्या बात है। भाई साहब हम पहुंच चुके जम्मू कश्मीर, पहली बार हमने देखा सामने, देख रहा मोर, इसने पूरे पंख फैलाए थे, जिंदगी में पहली बार देखा ऐसे, मजा आ गया, और उड़ के उड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। चंडीगढ़ से सिर्फ ये 11 किलोमीटर कहते हैं, पर जो से मेरा घर है उसमें से ज्यादा नहीं था, ये 6-7 किलोमीटर ही था, पर फिर भी बिल्कुल ही चेंज हो जाता, आपको अंदाजा नहीं लगा सकता इसके इस एरिया के नजदीक चंडीगढ़ है ना, अलग नहीं आगे दुनिया अलग सी। ये रह गया अपना 550 मीटर की नदियां भी है, ये ऐसा एरिया लग रहा है जैसे वो नहीं होता नेशनल सेंचुरी में, क्या पता ये आता भी हो, बाकी ऊपर जाके देखते हैं अगर कोई मिलेगा हमको फिर उससे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि एक्चुअल में ये एरिया है कैसा रियल में। ये देखो फीलिंग तो पूरी वैसी आ रही है फॉरेस्ट वाली है। चलोगे पैदल फिर इधर से, गेट लगा हुआ है, पैदल तो चलेगी, गाड़ी कहाँ लगाऊंगा, गाड़ी फीस लगाते हैं छाएंगे नीचे, पर एक पंचर पुंचर ना कर देना भाई, है ना, देखूंगा रास्ता और ले जाऊँ ऊपर कहीं लेके जाऊँ, ये रिस्क है तो इश्क जाएगी नहीं, गलत सी नहीं ना हो जाए फिर, रहन दो। माता वैष्णो देवी दरबार पर्च डैम, चलो यही है अपना। तो जैसे अब हमारी यात्रा शुरू होने लगी है पैरल थोड़ी, कोई चक्कर नहीं है, पर वैसे सही है यार, हमने गाड़ी वहीं पर खड़ा दी, अगर ऊपर लेके जाते रिस्क काफ़ी रहता रहा ना, टायर टूर पंचर हो जाए ऊपर फिर, क्योंकि दूसरी रोड होती है ऐसी होती है तिखी सी। ये अपना स्वर्ग का रास्ता, फुल फील क्रिएटर्स ट्राइपॉड कैमरा। तो इधर ना सेफ्टी के लिए लिखा हुआ है नोटिस कि पानी नहीं, डैम विच पानी बहुत डूंगा है, पानी कॉल जाना थे फोटो खींचना जा नहाना सख्त मना है, ठीक है, मतलब ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ कुछ भी। कितना डूंगा है पानी दिखावा दोनों, कितना तो ये इधर पानी है मेरा पानी ओए 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 दिखेगा भी नहीं,
ये तो काफी सारा डूंगा ओहो भाई खतरनाक सीन यार, ये तो ज्यादा खतरनाक सीन हो है, इतना पानी होता था इधर देखो सारा खाली पड़ा है। तो आपको बता तो दूं ये चीज़ क्या है ना, हम इधर आए क्यों हैं पर्सी टाइम में, एक्चुअली हमारा ना हमने एक एक्सपेरिमेंट करना था ड्रोन के साथ कि उसको कैसे उड़ाया है ना, किस तरह से अच्छे अच्छे शॉट्स आएंगे। तो हम कोई खाली जगह ढूंढ रहे थे, चंडीगढ़ में तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन रहती है आपको पता ही है ना, तो करके हम आउटस्कर्ट्स ढूंढ रहे थे, तो आउटस्कर्ट्स में ये जगह मिली। आज की न्यूज़पेपर में आई हुई थी कि जब से यहाँ पर पानी था ना वो पूरा एक तरफ से खाली हो चुका है, पर एक बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ ये है कि जितने भी यहाँ पर जानवर पानी पीने आते हैं ना टाइम से, तो उनको अब पानी मिल नहीं रहा है, तो हो ऐसा रहा है कि जानवर की यहाँ पर डेथ भी काफ़ी हो रही है। तो ये वाली काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है ना, बाकी आई होप ये चीज़ गवर्नमेंट तक भी पहुँच गई होगी, तो वो ख्याल रखेंगे इस चीज़ का आने वाले दिनों में मेरे ख्याल, क्योंकि अखबार में खबर आई है तो अखबार तो सब पढ़ते ही हैं, तो आने वाले दिनों में हो रहना चाहिए इसका तो फैसला। अच्छी तरह फिलहाल ये देखो, कोई कह सकता है कि मतलब इतने पहाड़ है आस पास, इतनी हरियाली है और बीच में पानी है ही नहीं बिल्कुल। ये देखो कितने बड़े बड़े खड्डे, पूरी ज़मीन खाली पड़ी है इस टाइम। अच्छा ये हिल भी रही है। ओए एक चीज़ का ध्यान रखना, दलदल भी है, दलदल। इसका पूरा पानी कैसे निकल गया, ख़त्म हो गया। ये अखबार जो सी दैनिक भास्कर है ना, दैनिक भास्कर में एक चंडीगढ़ भास्कर आती है लोकल अखबार, उसमें पूरी स्टोरी छिपी हुई है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, तो आपको स्टोरी सारी पता लग जाएगी। फिलहाल मेरा काम ये होता है कि मैं ना वीडियो के ज़रिए आपको चीज़ें दिखा दूँ। मेरे को ना अभी स्मेल आ रही है ऐसे कि कोई डेड बॉडी है एनिमल की। एक मिनट मैं अखबार साथ में ले आएगी, अगर इन्फॉर्मेशन पढ़नी हो तो साथ साथ आपको बताता रहूँगा। दलदल में फंसकर मर रहे हैं सांभर। एक्चुअली इधर ना सांभर और गिद्दड़ आते होते थे पानी पीने ज़्यादा, तो पानी ख़त्म हो चुका है तो ज़्यादा इफेक्ट उनको ही पड़ रहा है, तो और कि उनकी डेथ पानी के कारण भी हो रही है। और दलदल भी लिखा है पर यहाँ पर दलदल तो दिखाई दे नहीं रहा। ये जो सी आप देख रहे हो ना ये वाली मिट्टी, इसके नीचे तो गीली मिट्टी है पर ये जो सी ऊपर परत बनी हुई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी परत है, ये इतनी आसानी से दब नहीं रही। हाँ वैसे हमको फील हो रहा है जब हम चल रहे हैं तो ये हिल रही है, पर इतनी ज़्यादा नहीं हिल रही कि जैसे दलदल होता है। दलदल अगर होता तो दलदल के तो पूरा अंदर बंदा घुस जाता है, अभी तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तभी मैं कहा चलो यार तुम चलो, दो तीन बंदे हम साथ ले गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो अभी हम यहाँ पर पूरा सेटअप तैयार कर रहे हैं अपना ना, प्रैक्टिस भी करेंगे ड्रोन उड़ाने की, इससे अच्छे अच्छे शॉट्स कैसे आ सकते हैं। फिलहाल इसकी ना ऐप अपडेट करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि पुरानी है वो नहीं चल रही। ये वाला है ना हमारा मैविक, कौन सा ये मिनी है ना हमारा, इसकी कितनी रेंज कर दी इन्होंने, 15 मीटर सिर्फ, 15 मीटर से ज़्यादा ऊपर ये उड़ नहीं पाएगा, तो इसकी रिस्ट्रिक्शन अब लागू हो चुकी है यहाँ पर इंडिया में। तो और कोई बात नहीं, देखते हैं ऐप पे ले करते हैं इसकी इंस्टॉल। भाई साहब क्या कर रहे हो? हाँ जी क्या कर रहे हो? डैम देखने आए थे। परमिशन आपके पास? परमिशन अखबार से देख के आए थे सर। हम ऐसी चीज़ें घूमते फिरते रहते हैं, जैसे अखबार में आती कोई नई चीज़ तो हम देखने आते हैं लोकेशन। तो यार इसकी जो सी एप्लीकेशन वो तो काफ़ी बढ़िया, 280 MB की, हो ही नहीं डाउनलोड, इधर ना नेट भी नहीं आ रहा, तो जो सी पुरानी एप्लीकेशन पड़ी है उसी से ट्राई कर रहे, देखते उड़ता है कि नहीं, ट्राई किया नहीं पहले, अब देख लेते हैं जो भी होता है। और इधर कह रहे थे कि अफसर भी आ गए पीछे की है ना, देख के गए हैं कि क्या कर रहे इधर, मैंने कहा बस देखने आए थे अखबार में था जो भी। अभी ट्राई करते हैं ड्रोन उड़ाने का। शाबाश, क्या यार जिस चीज़ के लिए स्पेशली वो चल नहीं रहा, ड्रोन उड़ तो रहा है पर जो उसका कैमरा भी होता है वो नहीं आ रहा ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना फोटो खींची जा रही है। एंड्रॉइड से एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो रही है, अब एप्पल से ट्राई कर रहे हैं कि एप्पल की जो सी एप्लीकेशन ऐप स्टोर से हो रही है डाउनलोड, देखो क्या बनता है। ध्यान से सुनोगे ना चीड़ें की आवाज़ें जा रही है, जैसे इधर जानवर का पानी पीने का टाइम हो गया, देखो चीते चूते भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या चीज़ है ये? क्या ये लगी ये? हाँ इसलिए डालती है फैशन, तो नहीं डाली मैं भी डालू फैशन, तूने भी तो डाला है फैशन, फैशन बैग फैशन डाला फैशन। ये पता किस लिए होता है कि पेट ना दिखे, पेट छुपा देते ये। तो अभी हम ना 4G की तलाश में पिंड से बाहर निकल रहे हैं, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आएंगे, फिर डैम चलेंगे वापस, फिर ड्रोन उड़ाएंगे। तो भाई अपनी एप्लीकेशन तो लॉन्च हो गई, अब देखते हैं चला के चलेगी कि नहीं। चल पे चल पे, ओए होए होए क्या व्यू आ रहा है। चले फिर उधर, प्लीज चेक इट ऑन द मैप। कितने कितने से लग रहे हैं ना ये दोनों, देखो छोटे छोटे से
विशाल है वैसे ये डैम। ये है ना मनमीत सिंह, इसका ना पेज है इंस्टाग्राम पर, तो उसके लिए हम शूट करने आए थे इधर की है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ड्रोन शॉट्स कैसे अच्छे अच्छे आ सकते हैं और फ्यूचर पे। ये वाला निशान पता नहीं किसका, ये देखो यार कितना भयानक सा बना हुआ है। तो अभी मेरे को ना गणपति जी की मूर्ति मिली जो से विसर्जन नहीं करते आदि ऐसी की ऐसी है। तो यहाँ पर मूर्तियाँ भी मिली, मुझे काफ़ी कुछ दिखाई दे गया यहाँ पर, तो मैं आपको बताना ही नहीं चाहता ना, बाकी आप समझ लो क्या क्या की बात कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ पर दिए वगैरह भी मिल गए जो से डिकम्पोज नहीं हो पाते। ओ कितने सारे दिए हैं यार, ये तो मैं तो कह रहा था यार मेरे को कोई सोना सोना ही ना मिल जाता हुआ, या किसी का मोबाइल मोबाइल ही मिल जाए यार, किसी का खो गया कुछ मिला नहीं यहाँ पर खजाना। प्रॉब्लम्स ओनली बॉयज कैन अंडरस्टैंड है ना। कैसा लगा आपको लोकेशन? जबरदस्त थी। और नेकी कैसा लग रहा है भाई? गर्मी लग रही है भाई, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है फिलहाल तो, गर्मी तो रास्ता भाई बहुत है। लोकेशन प्यास बुझा दे। घर आते ही मैंने 3 ग्लास पानी पिया, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी ना, इतनी ज़्यादा प्यास थी क्या ही बताऊँ। एक ना मुझे ख्याल आया पानी पीते पीते कि देखो यार है ना, हम तो पानी पी लेते जब उनको प्यास लगती है, पर जो से जानवर होते जब उनको प्यास लगती थी वो तो चलो डैम पे आते थे पानी पीने है ना, अब तो वहाँ पर पानी नहीं है तो अब वो बेचारे कैसे है ना मैनेज कर रहे होंगे। तो ये चीज़ सोचकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा फील हुआ। अगर कोई आपके पास आइडिया है कि है ना कि जानवर को कैसे हम पानी पिला सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, अगर आइडियाज़ आपके साथ है तो शेयर करना मुझे कमेंट सेक्शन में। जो सब बर्ड्स के लिए होता है पानी वो तो हमने लगाया हुआ है। मैं ना एक चीज़ और सोची है कि मैं अपनी गाड़ी में एक परमानेंटली बॉटल्स रख दूंगा 2-3 एक्स्ट्रा ही, कि जब अगर मेरे को कुछ दिखे जैसे डॉग होता है ना उसको खाने के लिए तो कुछ ना कुछ डाल देते हैं हम, पर पानी भी पूछ लिया करेंगे। जैसे आने वाले टाइम में भी काफ़ी गर्मी आनी है तो इस चीज़ का इनिशिएटिव मैं अपनी तरफ से ये ले रहा हूँ। अगर ये आइडिया मेरा अच्छा लग रहा है या ठीक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर और भी बेटर आइडिया है आपके पास तो मुझे भी वो आप शेयर करना, ठीक है जी। तो ये वाली वीडियो इधर एंड करते हैं, थैंक यू वॉचिंग देखो भाई। तो वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करिए, जाना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। काफ़ी टाइम के बाद ये किचन में हम कर रहे हैं वीडियो आ जाए, ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।